हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू साइंस आचार्य चैनल आज अपन एन क्लास 11 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर टू एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक डिस्कस करेंगे टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम यहाँ एक एटम का रिप्रेजेंटेशन दिया गया है एक्स नीचे की तरफ है जेड और ऊपर की तरफ है एक्स है सिम्बल ऑफ द एलिमेंट जेड है एटोमिक नंबर और ए है मास नंबर तो अपन एक एक करके तीनों को डिस्कस करते हैं सबसे पहले एटॉमिक नंबर जिसको अपन किसी भी एलिमेंट के नीचे शो करते हैं Z दिया हुआ एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर Z ऑफ एन एलिमेंट तो अपन देखते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट कॉरस्पोंड्स टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोटोन्स प्रजेंट इन दी न्यूक्लियस और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रजेंट इन द न्यूट्रल एटम सो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ये होता है एटॉमिक नंबर Z के इक्वल Z होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एटम अब अपन देखते हैं मास नंबर मास नंबर ए ऑफ एन एलिमेंट द मास ऑफ द न्यूक्लियस इज ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दस दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियंस द टोटल नंबर ऑफ़ न्यूक्लियंस इज टर्म्ड एज मास नंबर ऑफ द एटम, जो न्यूक्लियंस होता है न्यूक्लियंस होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के इक्वल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिला के अपन बोलते हैं न्यूक्लियन जो यहाँ लिख रखा है दी टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इज टर्म्ड एज मास नंबर ऑफ द एटम क्योंकि मास नंबर भी प्रोटोन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के इक्वल होता है मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट मीन्स ए मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और इन्हीं कोई अपन न्यूक्लियन भी कहते हैं न्यूक्लियंस और मास नंबर सेम होता है न्यूक्लियंस इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स और मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट वो भी होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अब अपन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम को एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम में एक्स जेड और ए एक्स सिंबल ऑफ एलिमेंट Z, एटॉमिक नंबर A, मास नंबर तो यहाँ पे एग्जांपल है सोडियम सोडियम हो गया सिंबल ऑफ एलिमेंट सोडियम हो गया X, मतलब सिंबल ऑफ एलिमेंट उसके नीचे गए एलेवन और ऊपर है ट्वेंटी थ्री तो एलेवन हो गया Z, मीन्स एटॉमिक नंबर और ट्वेंटी थ्री हो गया A, मीन्स मास नंबर तो जो एटॉमिक नंबर है सोडियम का वो हो गया एलेवन और जो मास नंबर है वो हो गया ट्वेंटी थ्री और सिंबल सोडियम का हो गया इसी तरह जो सेकेंड एग्जाम्पल है क्लोरीन, इसका Z सेवनटीन ए थर्टी फाइव जेड मीन्स एटोमिक नंबर हो गया सेवनटीन ए मास नंबर हो गया थर्टी फाइव और सिम्बल ऑफ एलिमेंट X जिसको अपन कहते हैं वो है क्लोरीन. तो ये सिम्बल ऑफ एलिमेंट हो गया अब टर्म्स एसोसिएटेड विथ एलिमेंट्स डिस्कस करते हैं नंबर वन है आइसोटोप्स एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटोन्स मीन्स जेड जिसमें नंबर ऑफ प्रोटोन्स क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है तो जिन एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स वो आइसोटॉप्स कहलाते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर जेड मतलब नंबर ऑफ प्रोटोन्स सेम होता है उनको बोलते हैं आइसो नंबर सेकेंड है आइसो एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं जिनमें मास नंबर सेम होता है उनको बोलते हैं अपन आइसो बार्स नंबर थ्री है आइसोटोन्स एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उनको बोलते हैं आइसोटोन्स सेम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स ए माइनस जेड क्योंकि अपन जानते हैं जो मास नंबर होता है ए वो इक्वल होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं तो ए इज़ इक्वल टू जेड प्लस न्यूट्रॉन जेड है एटोमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन्स तो ए माइनस जेड इज इक्वल टू न्यूट्रॉन्स तो आइसोटोन्स पर होते हैं एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं अपन मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर ए माइनस जेड से तो उनको आइसोटोन्स बोलते हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं नंबर फोर है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ और एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक नंबर फाइव है आइसो स्टेयरस स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ऐसी स्पीशीज जिसमें नंबर ऑफ एटम भी सेम होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं जिनमें ये दोनों चीज़ सेम होती है उनको बोलते हैं आइसो नंबर सिक्स है आइसो डायाफर्स एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एन माइनस जेड और ए माइनस टू जेड तो उनको बोलते हैं आइसो डायाफर्स नंबर सेवन है पैरामैग्नेटिक स्पीशीज हैविंग नॉन ज़ीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उनको बोलते हैं पैरा मैग्नेटिक जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं पैरा मैग्नेटिक जो कि यहाँ लिख रखा है स्पीशीज़ हैविंग नॉन जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नॉन ज़ीरो मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो हो गए पैरा मैगनेटिक नंबर एट है डाया मैगनेटिक स्पीशीज़ हैविंग ज़ीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे यहाँ जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते उसको बोलते हैं डाया मैगनेटिक और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बोलते हैं पैरा मैग्नेटिक इसीलिए पैरामैग्नेटिक के लिए स्पीशीज़ हैविंग नॉन जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स कुछ ना कुछ यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और डायमैग्नेटिक स्पीशीज़ हैविंग जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है